और अंशु, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त भैया, आपको पता है ये साल और अच्छे से निकल जाए ना, फिर तो आपकी फैन डॉक्टर बन ही जाएगी। बस ऐसे ही मेहनत करती रहे तू, मुझे पता है एक दिन तू बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। हाँ भैया। भैया ये बुक आपकी है? हाँ, पर क्या हुआ? भैया क्या मैं इस बुक को थोड़ी देर पढ़ने के लिए ले सकती हूँ? वो क्या है ना भैया, मेरे को ये बुक बहुत टाइम से खरीदनी थी, मगर ये बुक बहुत ज्यादा महंगी है ना। हाँ ले लो, पर तुमको ये बुक क्यों चाहिए थी? वो क्या है ना भैया, मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रही हूँ। तुम और आईएएस? अपनी ना औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। पता भी है कितने पैसे लगते हैं आईएएस बनने में? और ये बुक इधर दे। अंशु ये क्या बदतमीजी है, ऐसे नहीं बोलते। पर भैया। ये लो बुक और जाओ, और तुम बाकी का काम कर लो। अच्छा अंशु, मेरे को ना बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तो मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है भैया। ये क्या, तू यहाँ पे बुक पढ़ रही है? घर में इतना सारा काम फैला हुआ है, वो कौन करेगा जाके? वो कर पहले। मगर दीदी वो सारा काम तो हो गया है। तूने मेरा कमरा देखा, इतना गंदा पड़ा है, जाके वो साफ कर। और सुन, मेरे भाई से ना दूर रह, समझ में आ गई? आई बड़ी नौकरानी। अरे तू वेट किस चीज का कर रही है, चल जल्दी से टीका कर। बस भैया श्वेता मिठाई ला रही है, फिर मैं करती हूँ। अरे श्वेता जल्दी से मिठाई ला। आ रही हूँ दीदी। भैया आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो श्वेता, तुम्हें तो नहीं लगी? उसको क्या होगा, उसने तो जान के करा है ना, मुझे सब पता है। समझ में आ गई? जान के किया है मतलब? भैया मैं ना इन छोटे घर के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जहाँ अमीर लड़का दिखा नहीं वहीं डोरे डालना शुरू कर देती है। अंशु ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भैया ये ना आपको फंसाने की कोशिश कर रही थी, जिससे आप इससे शादी कर लो और ये इस घर की नौकरानी की जगह इस घर की मालकिन बन जाए। नहीं नहीं दीदी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चुप कर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्या कैसा है। तो मेरे भाई को पागल बना सकती है पर मुझे नहीं। समझ में आई? भैया आपको तो पता है ना मैं यश भैया को भाई मानती हूँ, मगर अंशु दीदी को ऐसा लगता है कि मैं उनको गलत इरादों से देखती हूँ। भैया मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तो सब पता है ना, मुझे आपके बहुत याद आती है। भैया प्लीज आप भी मुझे अपने पास ही बुला लो, मम्मी पापा तो चले गए थे बचपन में ही छोड़ के, अब आप भी मुझे छोड़ के चले गए। मुझे बहुत याद आती है, ये दुनिया बहुत बुरी है, मुझे भी प्लीज अपने पास बुला लो प्लीज भैया। श्वेता मुझे माफ करना, मैंने तुमको इतना गलत समझा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई नहीं है। कोई नहीं दीदी, अब माफी मत मांगो, गलतियाँ तो सबसे ही हो जाती है, आपने ये सब दिल से थोड़ी बोला था। कोई बात नहीं दीदी, आप मत रो। और आज से तेरा एक भाई और तेरी एक बहन और भी है। भाई बहन मतलब? मतलब ये मैं और अंशु। हाँ आज से हम दोनों तेरे भाई बहन हैं। चला हमारे भाई को हम लोग साथ में टीका करें। जैसे गिर जाए दमें तहरीर कागज पर, स्याही जैसे गिर जाए दमें तहरीर कागज पर।